ये वीडियो देखो जरा। जो लोग आपको वीडियो में नजर आए हैं ना, ये कोई एलियंस नहीं है, ये इंडियन और पाकिस्तानी लोग हैं जो मिलके अपनी इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे लंदन में अभी एक दो दिन पहले। और यही इंडियन पाकिस्तानी जब अपने अपने मुल्कों में वापस जाएंगे तो आई एम सॉरी टू से, कुत्तों की तरह आपस में लड़ेंगे, सोशल मीडिया पे लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां निकालेंगे। ताज़ा एग्जांपल देखनी है तो इस वीडियो के नीचे भी आप देख सकते हैं, ये इंडियन पाकिस्तानी इस वीडियो के नीचे भी आके लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां निकालेंगे। लेकिन जो मेरे भाई पाकिस्तान से बाहर या इंडिया से बाहर रहते हैं, चाहे वो दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वो इस बात को समझेंगे, वो इस वीडियो को समझेंगे कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी इंडियन हैं ये बाहर कितने प्यार से रहते हैं, साथ बैठ के खाते हैं। आप किसी दूसरे बंदे के साथ बैठे होते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। मुझे याद है अभी वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मेरे एक टैक्सी ड्राइवर भाई थे, इंडिया से उनका ताल्लुक था, रवि उनका नाम था। तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी क्रिकेट की कन्वर्सेशन रही। और बड़े इंडियंस हैं जिनको मैं ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड वगैरह में मिलता हूँ, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, कभी किसी ने नफरत फैलाने वाली बात नहीं की। लेकिन जैसे ही ये सब अपना अपना इंटरनेट ऑन करते हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, तो इन्होंने एक दूसरे को गालियाँ निकालनी है, एक दूसरे के साथ लड़ना है, एक दूसरे को मारना है, एक दूसरे के साथ गालिम गलोज करनी है। लेकिन असल में पाकिस्तानी और इंडियन एक दूसरे के साथ मोहब्बत से ही मिलते हैं, प्यार से ही मिलते हैं। अब चूंकि हमारा ताल्लुक क्रिकेट के साथ है, हम क्रिकेट की ही बात करेंगे। अभी एक दो दिन पहले इरफान पठान ने जैसे ट्वीट किया, उनको नहीं करना चाहिए था। अगर शाहिद अफरीदी ने कोई स्टेटमेंट दी है, जावेद मियांदाद ने कोई स्टेटमेंट दी है, या किसी ने भी इंडिया या पाकिस्तान से कोई स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में कोई रुकावट आती है, उसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठाते हैं हमेशा से। उसके अगेंस्ट कम से कम मैं लाजमी आवाज़ उठाता हूँ। डजेंट मैटर के उस बंदे का ताल्लुक इंडिया से या पाकिस्तान से है, जो गलत बयानी करता है हम हमेशा उसका नाम लेके यहाँ पे बात करते हैं। आपने देखा कि मैंने जावेद मियांदाद के भी गलत बयान को यहाँ पे उसको डिस्कस किया। इरफान पठान भी जब कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई पुट्ठा कोई उल्टा ट्वीट कर देते हैं, सो हम हमेशा उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब आपको ये बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट एक तो वैसे नहीं होती, और ऊपर से जब जो क्रिकेटर्स हैं इनका कोई काम नहीं बनता कि ये वो एग्जांपल है ना, जले पे नमक छिड़कना, इनको वो वाला काम नहीं करना। आगे इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होती, लेकिन जब हमारे क्रिकेटर भाई कोई ऐसा ट्वीट कर देते हैं, कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से हालात मज़ीद बिगड़ जाएँ, वो उनको नहीं करना चाहिए। अभी जैसे इरफान पठान ने भी एक आधे दिन पहले ये ट्वीट किया, उनको नहीं करना चाहिए था, और इरफान पठान की तरफ से ये ट्वीट आते रहते हैं। अभी इससे पहले कोई कमेंट बॉक्स में आके मुझे कहे कि जी वो जावेद मियांदाद ने जब कोई बयान दिया था इंडिया के अगेंस्ट तो आप उसको डिस्कस नहीं करते, आपको इरफान पठान ही हमेशा नज़र आता है, तो पहले आप जाके वीडियोज़ देखा करें। मतलब अगर कोई ऐसा कहेगा तो मैं उसको लिंक भी भेज दूंगा, जब जावेद मियांदाद ने कोई गलत बयानी की थी या शाहिद अफरीदी ने कोई गलत बयानी की थी, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम उनको भी जहाँ पे तगड़े तरीके से उनको डिस्कस कर रहा हूँ, हम वो भी करते हैं। ऐसे बयान क्रिकेट के हालात ही ख़राब करते हैं। मतलब मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि एज ए जनरेशन हम कितने अनलकी हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान की स्पेशली टेस्ट क्रिकेट नहीं देख पाते। मतलब यू जस्ट इमेजिन कि हम शाहीन अफरीदी वर्सेस विराट कोहली का टाकरा नहीं देख पा रहे, और अब विराट ने एक आधे दो ढाई साल में रिटायर हो जाना है। मतलब विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेला ही नहीं है और वो इसके बगैर रिटायर हो जाएंगे, ये कितना बड़ा सानहा है। सानहा का मतलब है ये कितना बड़ा वाकया है, ये कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है कि विराट कोहली चले जाएंगे और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच नहीं खेला। आप ये दुख समझ रहे हैं? ये दुख कहाँ ख़त्म नहीं होते, ये बहुत बड़े दुख हैं क्रिकेट फैंस के लिए। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दुख। जितने भी हमारे इंडिया पाकिस्तान फैंस हैं, नफरतें ना फैलाएं, प्यार फैलाएं। वैसे ही जैसे आप अपने मुल्कों से बाहर एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं ना, अपने मुल्क के अंदर भी एक दूसरे के साथ वैसे ही प्यार करें।